तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल की कैटेगरी कैसे चेंज कर सकते हो या कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया होता है और उनको कैटेगरी चेंज करना नहीं आता है और वो YouTube में यहाँ पर कोई ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कैटेगरी चेंज करने का। तो किस तरीके से आप अपनी यूट्यूब चैनल की कैटेगरी चेंज करोगे, किस तरीके से आप अपनी यूट्यूब चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, आप यहाँ पर क्रोम से ही अपने YouTube चैनल की कैटेगरी को चेंज या सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप YouTube के ऐप से या YouTube स्टूडियो ऐप से आप कैटेगरी चेंज या सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube.com। ठीक है, और फिर आपका यहाँ YouTube ओपन हो जाएगा इस तरह से। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने लोगो पर क्लिक करना है और जो भी आपका YouTube चैनल है उसको यहाँ पर आपको स्विच कर लेना है या यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। जो भी आप YouTube चैनल की कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा YouTube चैनल ये है, मैं इस पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको स्विच कर लिया है। और फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके आपको यहाँ न्यू टैब पर आ जाना है और फिर अब आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है studio.youtube.com। तो जब आप सर्च कर लोगे तो आपको जो YouTube स्टूडियो होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से अपने चैनल की कैटेगरी चेंज करोगे या सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे सेटिंग का आइकॉन दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब आपको यहाँ अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करना है। अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ नीचे कैटेगरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने चैनल की कैटेगरी जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ।